हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज, ये बात तो सबको पता ही होगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसके जो रूल्स के बारे में पता चलना चाहिए। गाइज, जैसे गाइज मानो आप जो है यूट्यूब पे काम करते हो, गाइज कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग को जो है कब मिलता है, गाइज आज की इस वीडियो में शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। गाइज आपको जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, गाइज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। गाइज आप जो है यूट्यूब पर आ गए या यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो गाइज आप जो है ये तीनों के बारे में अच्छे से पता चलना चाहिए, ताकि गाइज आगे जाके आप जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसलिए गाइज आज की इस वीडियो में ये तीनों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। गाइज सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम के बारे में बताता हूँ आपको, जो है कॉपीराइट क्लेम कब आता है, क्यों आता है, किन किन कारण से आपका वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है। तो गाइज सबसे पहले क्या है, आप जो है किसी का म्यूजिक या ऑडियो वीडियो कोई कॉपी करते तो गाइज वो बंदा जो है क्लेम करता है, इसी बंदा ने मेरा जो है सीन को चुराया है, तो गाइज वो बंदा क्या करता है, जो ओरिजिनल ओनर रहता है वो जो है यूट्यूब को क्लेम करता है, तो गाइज आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आता है। इससे आपको जो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, जितना भी आप जो है अर्निंग कर रहे हैं उस वीडियो से अर्निंग कर रहे हैं, तो गाइज वो सभी ओरिजिनल ओनर के पास चला जाएगा। गाइज एड आ रहा है तो गाइज सभी एड का जितना भी रेवेन्यू है गाइज सभी ओरिजिनल ओनर के पास जाता है। ओरिजिनल ओनर जो है क्लेम करता है, यूट्यूब को क्लेम करता है कि ये मेरा है, इसके कारण से आपका वीडियो जो कॉपीराइट क्लेम आता है। गाइज गाइज इसी तरह कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, आप जो है किसी का वीडियो चुराते हैं या किसी का ऑडियो चुराते हो, गाइज वो बंदा आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम अलग रहता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग रहता है। 3 महीना के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाएगा तो गाइज आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। गाइज जितना भी कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो गाइज सभी को डिलीट कर देना है, क्या पता दूसरा स्ट्राइक भी आ सकता है। गाइज एक कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव होने में 3 महीना लगता है, 90 डेज का टाइम लगता है। गाइज 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आपका चैनल पे आ जाएंगे तो गाइज आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। गाइज उसके बाद गाइज आप अपने चैनल को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। गाइज अगर आपका चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो गाइज आपको अपना चैनल को मोनेटाइज नहीं कराना है। गाइज इसी तरह एक और रहता है कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग। गाइज किसी का वीडियो कॉपी किया इससे कोई मतलब नहीं रहता। गाइज गाइज कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग तब आता है जब आप जो है यूट्यूब के खिलाफ जाते, गाइज यूट्यूब में जो है ऐसा कंटेंट डालते गाइज जो यूट्यूब के खिलाफ है, तो गाइज आपका चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आता है। वार्निंग आने के बाद स्ट्राइक आता है तो गाइज आपका चैनल डिलीट हो जाता है। गाइज किसी का प्राइवेट चीज को आप जो अपनी वीडियोज पे दिखाते गाइज कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आता है। गाइज ये वार्निंग आपका चैनल से कभी भी रिमूव नहीं होता, इससे कोई मतलब भी नहीं है, ये कभी भी रिमूव होने वाला नहीं है। गाइज कोई भी कंटेंट हो सकता है जो यूट्यूब के खिलाफ है, तो गाइज आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आता है। गाइज जब आप जो अगली बार वही गलती रिपीट करोगे तो गाइज स्ट्राइक आता है, आपका चैनल डिलीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। गाइज ये कंडीशन में गाइज आप जो अपना चैनल को रिकवर कर सकते। गाइज 45 दिन के अंदर रिकवर किया है गाइज, अपना जो डिलीट चैनल को रिकवर करते ये वीडियो देखने के लिए गाइज यहाँ पर आई बटन पे भी आया रहेगा। अगर आप चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना। गाइज वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।